हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। मैं लेकर आया हूं आपके लिए टॉप फिल इन द ब्लैंक्स फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। सो शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। सो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला एग्ज़ाम्पल है सी हैज़ डॉट 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 एप्पल। इसमें ऑप्शन हमारे दिए गए हैं ए, एन और द। एक्चुअली ये आर्टिकल का फिल इन द ब्लैंक्स है। सो हम एप्पल का पहले हमें भरना है, तो एप्पल का हम प्रोनाउंसिएशन देखेंगे कि एप्पल का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो आ से आह के बीच में निकल रहा है। तो यहाँ पर फिर हम जब किसी भी नाउन का प्रोनाउंसिएशन आ से आह तक निकले तो वहाँ पर फिर हम एन का प्रयोग करते हैं, यानी एन आर्टिकल इसमें भरा जाएगा। ठीक है, जब भी किसी भी नाउन का प्रोनाउंसिएशन आ से आता हो वहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं। हमारा अगला एग्जांपल है माय कज़न डॉट 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 MBBS। यानी जो MBBS एक कैपिटल लेटर्स हैं। कई लोग कहते हैं कैपिटल लेटर्स के पहले हमें अलग भरना जाता है, कुछ अलग नहीं। एक्चुअली सिंपल ट्रैक है सभी की, जहाँ भी हमको नाउन दिखे यानी कॉमन नाउन तो वहाँ हम उसका प्रोनंसिएशन निकालेंगे। यानी प्रोनंसिएशन MBBS का आ से आह तक निकल रहा है, यानी आ से आ के बीच में आ रहा है, तो वहाँ पर भी हम एन का ही प्रयोग करेंगे। कोई भी नाउन हो, कोई भी प्रोनाउन हो, वहाँ उसका हम सिर्फ प्रोनंसिएशन देख लेंगे और वहीं से हम उसका पता लगा लेते हैं कि इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा। चलिए हमारा अगला एग्जांपल है साइंस प्लेस डॉट 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 इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। ये भी हमारा आर्टिकल का फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें भी इम्पोर्टेंट जो है एक नाउन है, यानी कॉमन नाउन है ये, और इसमें भी हम प्रोनंसिएशन देखेंगे हर एक चीज़ का। प्रोनंसिएशन मीन्स होता है उच्चारण, उसका उच्चारण भी हम निकालेंगे तो आ से आह के बीच में ही आएगा। जब किसी भी नाउन का प्रोनंसिएशन आ से आह के बीच में आए तो वहाँ पर हम एन आर्टिकल का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, एन जो कि अलग ही फिट हो रहा है यहाँ पर, साइंस प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, यानी विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे दैनिक जीवन में। हमारा इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल, अगला फिल इन द ब्लैंक्स है डॉट 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 गंगा रिवर इज स्पिरिचुअल रिवर। तो यहाँ मतलब जो गंगा नदी के हमें पहले भरना है कि क्या आएगा, ए, एन या फिर द। तो जो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल का मतलब होता है पवित्र, स्पिरिचुअल का मतलब पवित्र होता है, यानी जो भी पवित्र चीज़ें होती हैं, जो भी पवित्र चीज़ें होती हैं उनके पहले हम हमेशा द का यूज़ करते हैं। यानी गंगा नदी एक पवित्र है। ठीक है, अगर एक्चुअली में होता क्या है, प्रत्येक सेंटेंस की हिंदी निकालना भी बहुत ज़रूरी है। तो गंगा नदी जो है एक स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल मतलब पवित्र, तो वहाँ पर हम पवित्र स्थानों के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है जो वो है डॉट 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 सन राइसेस इन डॉट 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 ईस्ट। ये भी हमारे आर्टिकल है। एक्चुअली सारे जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं हमारे आर्टिकल से लिए गए हैं। तो इसमें भी हम देखेंगे सन के पहले और ईस्ट के पहले हमको भरना है कि क्या आएगा, ए, एन या फिर द। तो जो भी यूनिक चीज़ें होते हैं, यूनिक का मतलब अजीब, जो दुनिया में सिर्फ एक ही हो, इनके अलावा दूसरी ना हो, तो उनके पहले तो जो सन है हमारा, सन एक यूनिक चीज़ है, यानी दुनिया में एक ही सन है, सन में सूरज एक ही है, तो यहाँ पर भी हम द का प्रयोग करेंगे। और जो ईस्ट है, ईस्ट भी ईस्ट मीन्स होता है एक दिशा है, जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट मीन्स पूरब, जो सन जो है पूरब में उगता है। तो ये यूनिक चीज़ें हैं, इनके पहले भी हम हमेशा द का यूज़ करते हैं। ठीक है,
दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको और कुछ सीखे हो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी ज़रूर कर दें। थैंक यू।